हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है इस समय जब आचार संहिता लगी हुई है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग के अंदर भर्तियाँ आ नहीं रही है, तो इसमें एक अच्छी खबर आपके लिए सेल की तरफ से अपडेट आ रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसमें IIT और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है। OCTT यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी है, और ACTT यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी है। IIT और डिप्लोमा वाले दोनों बच्चे अप्लाई करेंगे। फॉर्म ऑलरेडी इसके स्टार्ट हो चुके हैं, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 7 मई है। तो कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगी, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। वैसे इसका नोटिफिकेशन वो आचार संहिता लगने से पहले ही आ गया था, क्योंकि 1 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया था। अभी वो टाइम चल रहा है जब इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। जब नोटिफिकेशन आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो बच्चों को याद भी नहीं रहता अभी किसी भर्ती के बारे में। तो नया वीडियो इसलिए ले गया हूँ ताकि आप बच्चे जो एलिजिबल है इसके आवेदन भी कर सके। 15 मार्च को वैसे ये नोटिफिकेशन आ गया था, फॉर्म इसके अभी स्टार्ट हुए, ठीक है। और ये आपका इसका फुल नोटिफिकेशन है, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो सरकारी भर्तियां आ नहीं रही है, ये नोटिफिकेशन भी आचार संहिता लगने से पहले का। और एक बात मैं हमेशा आपको बोलता आया हूं, भर्तियां आने से पहले, एग्जाम को अटेंड करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आपको अपना सिलेबस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। कम से कम टेक्निकल को तो शानदार तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि वो हर टेक्निकल भर्ती के अंदर पूछा जाता है। कम से कम 50% वेटेज उसका जरूर होता है। तो अभी आचार संहिता लगी हुई है, जब तक नई भर्तियां आनी स्टार्ट होगी आचार संहिता के बाद में, तब तक ये जो आपके लिए खाली टाइम है ना, ये जो स्पेस है, इसका उपयोग करिएगा और अपनी तैयारी है उसको बेहतर तरीके से कर लीजिएगा, ताकि बाद में जो भी भर्ती है उनको शानदार तरीके से आप अटेंड करते रहो। पढ़ाई अगर आप अच्छी तरीके से नहीं करोगे, खासतौर से टेक्निकल आपका अच्छी तरीके से तैयार नहीं है ना, तो भर्तियां चाहे कितनी आए कितनी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा टाइम है आपकी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जब भर्तियां आती है तो माइंड डिस्टर्ब होता है, कभी इसकी तैयारी करें कभी उसकी तैयारी करें, लेकिन अभी आपके लिए खाली समय, इसका सदुपयोग अच्छी तरीके से आपको जरूर करना चाहिए। पहली जो वैकेंसी आ रही है बोकारो, है ना, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो यानी कि जो स्टील बनता है वहां के लिए जो वैकेंसी है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए जो वैकेंसी है, ऑपरेटर के अंदर टोटल मिलाकर के यहाँ पे 8 वैकेंसी रखी गई है। ऑपरेटर में हमेशा जब भर्ती आती है ना इस प्रकार की सेल फेल वगैरह के अंदर, तो डिप्लोमा वाले अप्लाई करते हैं, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जो वैकेंसी होती है उसमें IIT वाले बच्चे आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे स्टील प्लांट के लिए, डिप्लोमा के लिए 8 वैकेंसी है, और IIT के लिए टोटल 12 वैकेंसी है। उसके बाद में अगर अपन देखें फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, है ना, जहां पे स्टील के लिए खुदाई की जाती है, जो माइंस होती है, जो खदानी होती है, उनके लिए जो वैकेंसी निकालेगी वो कुछ इस प्रकार का, यहां पे आप देख सकोगे। पहली जो वैकेंसी यहां पे आ रही है, देखिए आपकी माइनिंग फोरमैन के लिए वैकेंसी आ रही है ना, माइनिंग फोरमैन के लिए टोटल मिलाकर के 3 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर अपन देखें तो सर्वेयर के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए एक शानदार अवसर है, फ्रेशर्स डिप्लोमा वाले बच्चे आवेदन करेंगे। और वैसे भी देखिए कई सारी भर्तियाँ एक साथ चल रही है, SSC की JEE की चल रही है, BSF JEE की चल रही है, ये भर्ती आ गई, इससे पहले भी कई फॉर्म भरे गए थे और सिलेबस लगभग सेम सा रहता है, तो आवेदन जरूर करना चाहिए। उसके बाद माइनिंग मेट की टोटल मिलाकर के 3 वैकेंसी, उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यहाँ पर भी बच्चे IIT वाले आवेदन करेंगे, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 34 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप इस नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में ऐड नहीं है ना, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, नोटिफिकेशन, अपडेट जो भी होगी सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, हाँ ना, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। पहले जो अपने काम की वैकेंसी है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो बॉयलर वाली वैकेंसी है, इसमें अगर अपन देखें तो अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। SC ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, OBC को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, DV के टाइम में जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर वाली जो वैकेंसी, 3 साल का डिप्लोमा जिनके पास मैकेनिकल में है या इलेक्ट्रिकल में है या केमिकल में है या पावर
प्लांट में या फिर प्रोडक्शन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई करोगे, लेकिन डिप्लोमा के साथ ही फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है बॉयलर की वैकेंसी के लिए। इसी हिसाब से आईटी वाले बच्चों के लिए अटेंडेंट कम वाली वैकेंसी है बॉयलर की, आईटी आपके पास में होनी चाहिए और साथ ही यहाँ पे सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेलिवेंट ट्रेड का मतलब है कि बॉयलर अटेंडेंट में आपके पास में आईटी होनी चाहिए। 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, वही एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। उसके बाद देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है, 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, और उसके बाद डिप्लोमा जिनके पास इलेक्ट्रिकल में फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की यहाँ पर भी छूट है, और आपका डिप्लोमा मिनिमम 50% के साथ में होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% से डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि होता ही है। उसके बाद देखिए माइनिंग की जो वैकेंसी है, डिप्लोमा आपके पास में माइनिंग में होना चाहिए। माइनिंग फोरमैन की जो वैकेंसी है आपके पास में, डिप्लोमा यहाँ पर भी माइनिंग में मांगा गया है। उसके बाद सर्वेयर की वैकेंसी है, यहाँ पर भी 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग में यहाँ पर मांगा गया है। माइनिंग और माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद देखिए माइनिंग मेट की वैकेंसी दे रखी है, 28 वर्ष यहाँ पर भी एज लिमिट है। उसके बाद में देखिए वैलिड माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10th प्लस माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है वो बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है ना, जो 34 वैकेंसी रखी गई थी उनकी बात यहां पे हो रही है, तो यहां पे कौन आवेदन करेगा। देखिए आईटी के लिए 28 वर्ष सबसे पहली चीज तो ये है कि एज लिमिट रखी गई है, एससी और एसटी को 5 साल की छूट यहां पे दी गई है, ये ध्यान रखना, और ओबीसी वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिजर्व कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी। सबसे पहले चीज़ है आपके पास में आईटी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास में 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ अगर आपके पास में थोड़ा सा खाली टाइम है तो अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप करने के बाद में आपकी आईटी के सर्टिफिकेट की वैल्यू डबल हो जाती है। अब यहाँ पे आईटी मांगी है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे यहाँ पे अप्लाई करने वाले। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे खास और देर के, स्टील प्लांट है और माइंस है उनसे संबंधित जो अप्रेंटिसशिप है ना वही यहाँ पे वैलिड होगी, ठीक है। वो झारखंड वगैरह स्टेट है उधर वाले बच्चे होंगे, उन्हीं के पास में ये चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। तो जिनके पास में है उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए बताना भी जरूर है। कोई भी बच्चा जिनके पास में एक्स्ट्रा एबिलिटी है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, कम से कम वो तो वंचित नहीं रहना चाहिए। देखिए फिजिकल क्राइटेरिया, हाइट यहाँ पे दे रखी है टेक्निकल वैकेंसी के अंदर 155 सेंटीमीटर मेल के लिए, और जो फीमेल है 143 सेंटीमीटर हाइट है। वेट के बारे में बात करें तो मेल के लिए 45 kg है और फीमेल के लिए 35 kg है, और चेस्ट है 72 से लेकर के 75 बॉयज के लिए, 75 से 79 गर्ल्स के लिए, ठीक है। विजुअल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस है और कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत यहाँ पे बाकी है नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है आईटी और डिप्लोमा से रिलेटेड, दो चीज़ें यहाँ पे होने वाली। पहला तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में 3 गुना बच्चों को सीबीटी एग्जाम में पास किया जाएगा। उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है। अब देखिए इस डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, 2 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा, वो कंप्लीट होती 26,600 बेसिक हो जाएगी, और आईटी के 25,070 बेसिक हो जाएगी। स्टार्टिंग का जो 2 साल का टाइम पीरियड है उसमें देखो डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं 16,100 और 18,300 पहले साल और दूसरे साल मंथली सैलरी मिलेगी। इसी हिसाब से आईटी वाले बच्चों को पहले साल 12,900, दूसरे साल 15,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आप परमानेंट हो जाओगे तो आपके इस हिसाब से जो सैलरी है आईटी और डिप्लोमा की लगभग 40 से लेकर के 50,000 के आसपास में आपकी सैलरी बनेगी। अप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे, S3 ग्रेड यानी कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे 500 रुपये अप्लीकेशन फीस है, S1 ग्रेड आईटी के लिए 300 रुपये अप्लीकेशन फीस है। बाकी यहाँ पर अगर अपन देखें SC ST दिव्यांग बच्चे, डिपार्टमेंटल बच्चे हैं, एक सर्विस मैन जो भी है उनके लिए यहाँ पे 150 रुपये और 100 रुपये यानी कि डिप्लोमा और आईटी के लिए इस हिसाब से एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न इन्होंने बता रखा है, तो देख लीजिए 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, चाहे आप डिप्लोमा से हो चाहे आप आईटी से हो, 5 सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे डोमेन नॉलेज यानी कि आईटी में ट्रेड से संबंधित, डिप्लोमा वाले बच्चे ब्रांच से संबंधित, इनको डोमेन से संबंधित मैं आपको इनका जो पीछे का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पे आपको 50 नंबर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
उसके बाद में जीके है, इसके 20 नंबर के 20% पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 10 नंबर के 10% रहेंगे और मैथ के 10 नंबर के 10% रहेंगे, वर्बल एबिलिटी के 10 नंबर के 10% रहेंगे। इस हिसाब से आपका 100 इसके अंदर क्वेश्चन रहने वाला है, 90 मिनट का आपको पेपर अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। कुछ इसी हिसाब का चीज़ें होगी, ज़्यादा अगर चेंज होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। कम से कम 50% आपका यहाँ पर टेक्निकल जरूर रहेगा, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है। पेपर कहाँ पे होगा ये चीज़ें अभी नहीं बताइए, ठीक है, और बाकी इन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कुछ चीज़ें यहाँ पे दे भी रखी है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर टॉपिक्स है वो देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। 16 अप्रैल से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो भी बच्चे इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है आवेदन जरूर कर दीजिएगा। ठीक ठाक वैकेंसियाँ, लेकिन स्टील प्लांट के अंदर अलग अलग वैकेंसियाँ आती है, इसलिए वैकेंसियाँ इसी प्रकार से आती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।